है जो फिजिशियन फर्स्ट लेडी सिवान की और उनके इमरजेंसी में हैं उनके हस्बैंड डॉक्टर जाहिद और भी बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे जी। यहाँ पे जो शमीर सनराइज़ हॉस्पिटल है इसमें हम लोग आए हैं एज अ मैं जो हूँ एमडी पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ विद क्रिटिकल केयर एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट और मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर जाहिद इकबाल जिन्होंने गांधी जयंती है आज ही के दिन ओपनिंग हो रहा है क्या कुछ है। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी के जयंती का सबको बहुत बहुत बधाई और होता है कि जब किसी को चेस्ट पेन होता है तो सबसे पहले ये है कि जब सबसे पहले तो घर में इलाज ना करके पहले आके आप जो आपका प्राइमरी सेंटर है वहाँ पे आएँ अपना प्रॉपर ईसीजी निकलवाएं अगर उसमें कोई दिक्कत है तो प्रॉपर बता अगर वो विंडो पीरियड के अंदर आते हैं तो हम बता देंगे कि ये सिवान मेडिकल हब बनता जा रहा है। आए दिन सिवान में बड़े बड़े अस्पतालों की ओपनिंग हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSN लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ इकबाल कयूमी। बता दें कि सिवान वासियों के लिए एक बड़ी सौगात। जी हाँ, सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी यानी हेना साहब के शुभ हाथों द्वारा आज डॉक्टर फरजानाज लाइफ केयर यानी शमीर सनराइज हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं डॉक्टर फरजाना गुलदस्ता देकर हेना साहब का स्वागत कर रही हैं, खैर मकदम कर रही हैं। तमाम अतिथिगण यहाँ पे मौजूद हैं। आइए इस अस्पताल के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या विशेष सुविधाएं हैं, पेशेंट को लेकर इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आइए, इंशाल्लाह बहुत हद तक दूर हुई है और हमारे यहाँ सिवान में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल भी अच्छे खुले हुए हैं और मैं चाहती थी कि सिवान में अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं तो गोरखपुर जाते हैं और वहाँ पे बहुत परेशानियाँ होती हैं गरीब लोगों को पैसे का हर चीज़ का वक्त पे नहीं पहुंचने की वजह से भी नाहक में लोग चले जाते हैं लेकिन यहाँ पे समीर सनराइजिंग जो हॉस्पिटल खुला हुआ है जिसमें डॉक्टर फरजाना है हार्ट स्पेशलिस्ट हैं एज ए फिजिशियन फर्स्ट लेडी सिवान की और उनके इमरजेंसी में हैं उनके हस्बैंड डॉक्टर जाहिद और भी बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये लोग बहुत अच्छा करेंगे और खिदमत खल की जो जज्बा है वो हमेशा कायम रहेगी। गरीब अमीर का सबका बराबर ही ट्रीटमेंट होगा इंशाल्लाह। मैडम, आज राष्ट्रपिता गांधी गांधी जयंती है और आज ही के दिन ओपनिंग हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा। सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी के जयंती का सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है और हमारे देश के बापू रहे हैं तो वो आज का दिन बहुत अच्छा है और आज के दिन ही ये इन लोगों का जो क्लिनिक का ओपनिंग भी हुआ। हॉस्पिटल तो बहुत पहले से बने हुए थे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर ट्रामा सेंटर का एक दो वेंटिलेटर भी आ गया है जिसकी वजह से इमरजेंसी में लोगों को परेशानी नहीं होगी, उस हद तक राहत यहाँ मिलेगी इंशाल्लाह। शास्त्री जी का भी है। अच्छा, शास्त्री जी का भी है, बढ़िया बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैडम, अस्पताल का इतना अच्छा नाम रखा गया है सनराइज, मतलब दिन की सुबह सूरज के उगने से होती है, क्या लगता है सिवान की जनता के साथ आपका? थैंक यू सो मच। काफ़ी समस्या आती थी, काफ़ी लोग इधर उधर जाते हैं, जैसे अपना पटना हो गया, गोरखपुर हो गया, मरीज काफ़ी परेशान रहते थे, क्या वो चीज़ अब सिवान में उपलब्ध होगा? हाँ, वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होंगी। यहाँ पे जो शमीर सनराइज़ हॉस्पिटल है इसमें हम लोग आए हैं एज अ मैं जो हूँ एमडी पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ विद क्रिटिकल केयर एंड आईसीयू स्पेशलिस्ट और मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर जाहिद इकबाल जिन्होंने DNB करा है इमरजेंसी मेडिसिन से, तो यहाँ पे हम लोगों ने ICU डाली है और इमरजेंसी की जो सेवा है वो 24/7 अवेलेबल है। तो हर तरह का क्रिटिकल पेशेंट जो कि पहले रेफ़र होते थे वो लोग अपना इलाज यहाँ पे आके करवा सकते हैं। कौन-कौन सी बीमारियों का इलाज होगा यहाँ पे? हमारे देश में हार्ट के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, ऐसे में किस तरह की सुविधाएं आप हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं कैसे दे पाएंगे? यहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि जब किसी को चेस्ट पेन होता है तो सबसे पहले ये है कि जब
सबसे पहले तो घर में इलाज ना करके पहले आके आप जो आपका प्राइमरी सेंटर है वहाँ पे आएँ, अपना प्रॉपर ECG निकलवाएं, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो प्रॉपर बता, अगर वो विंडो पीरियड के अंदर आते हैं तो हम बता देंगे कि इनको वहाँ पे ले जाने से पहले जैसे एंजियोप्लास्टी वगैरह प्रोसीजर होता है उससे पहले अगर थ्रोम्बोलाइज की ज़रूरत पड़ी, मतलब उतना टाइम में नहीं पहुँच पाए क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम कर सकते हैं एंजियोप्लास्टी, अगर उसके बाद पहुँचे हैं तो यहाँ पर थ्रोम्बोलिसिस होती है जिससे दवा से खून की नलियाँ खोली जाती हैं, तो वो वाली सुविधा यहाँ पर अवेलेबल होंगी। इतना हो जाएगा कि पेशेंट अगर हार्ट का है तो उसको इतना स्टेबल कर दिया जाएगा कि वो जाकर टर्शियरी सेंटर पे अपना इलाज करा सके। मैडम गरीबों के लिए क्या कुछ फैसिलिटी? गरीबों के लिए ये फैसिलिटी है कि हम डॉक्टर हैं, खिदमत खल्क में ही उतरे हैं, तो हमसे जितना बन पड़ेगा जो लोगों की भलाई के लिए होगा वो हम लोग करेंगे। मैडम एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में? मैंने MBBS किया है AMU से, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से, और वहीं से मैंने MD करा है ट्यूबरक्लोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज में, और उसके बाद मैंने फेलोशिप की है ब्रोंकोस्कोपी में, और उसके अलावा मेरी जो स्पेशियलिटी है उसमें सारे लंग डिजीजेज, हार्ट की परेशानियां और जो खर्राटे आते हैं स्लीप एपनिया बोला जाता है वो, और एलर्जी स्पेशलिस्ट, तो ये सारी चीज़ें मेरे ब्रांच में आती हैं। लोगों से पढ़ाई करके बाहर में सेटल होना चाहते हैं, आपने कैसे सोचा कि सिवान जैसे छोटे शहर में आके लोगों की मदद की जाए हॉस्पिटल को? देखिए मैंने स्कूलिंग यही बिहार बोर्ड से किया था, 10th हमने यहीं से GM हाई स्कूल बहड़िया से किया हुआ है, 10th में मैं यहाँ का सेकंड टॉपर रहा हूँ, सर थे शाहबुद्दीन सर, उन जो MP साहब हमारे सिवान का सेकंड टॉपर था, मुझे उनके हाथ से अवार्ड मिला हुआ 2002 में, मैं स्कूल का भी टॉपर रहा हूँ। उसके बाद से मैं अलीगढ़ में 11th क्लास में चला गया था एंट्रेंस क्वालिफाई करके, फिर वहाँ से 11th 12th किया MBBS AMU अलीगढ़ से किया, फिर मेरा PG में एडमिशन भी अलीगढ़ में हुआ ENT में, वो मैंने छोड़ करके फिर मैंने और चीज़ें तैयारी करी हैं, और फिर मैंने प्रशासनिक सेवा में भी रहा, उत्तराखंड में मैंने सर्विस दिया, उसके बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन फिर अपोलो से किया है मैंने DNB इमरजेंसी मेडिसिन, और फिर मैंने दिल्ली के जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ काम किया। तो स्टार्टिंग जो शुरू किया है जो मकतब है हमारा करबला बाज़ार में, वो हम लोगों ने बोरे पे पढ़ के शुरुआत की है, घर में कोई हमारा ग्रेजुएट भी नहीं है, पहला बंदा हूँ, और मैं शुरू से गाँव में अपने रहा हूँ, हमारे अंकल हैं प्रोफेसर महमूद हसन साहब, मैं करबला का रहने वाला हूँ, तो हम लोगों ने बहुत शुरुआत से बहुत स्ट्रगलिंग फेज देखे हैं, और धीरे धीरे करके ऐसा रहा है कि इंडिया का टॉप सेंटर अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में रहा हूँ, फिर वहाँ से मेदांता गुड़गांव में रहा हूँ, बड़े बड़े जो लोग हैं पॉलिटिशियंस हैं सबका आदमी ट्रीटमेंट किया, हर तरीके के लोगों से मिला हूँ मैं, MRCP क्वालिफाइड हूँ लंदन का, तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया है, वो भी बहुत अपने आप में बड़ा एग्ज़ाम होता है, तो नीचे से ऊपर स्तर तक हर तरीके के लोगों से मिलना, सरकारी कॉलेज से कॉरपोरेट तक, फिर प्राइवेट जॉब करी है, अल्टीमेटली मैं रहने वाला करबला का हूँ, मैं अभी बलिया सरफी में कार्यरत था पिछले 3 साल से, तो हर सैटरडे को घर आता था, संडे में फ्री सेवा दे रहा हूँ 3 साल से, जो लोग आसपास के होते हैं वो आके वहीं दिखाते थे, तो सबका ये था कि आप इमरजेंसी से हैं और थ्रोम्बोलाइज करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसके लिए जो मैं देखता था, जैसे कुछ लोग लखनऊ PGI से हैं, कुछ लोग एम्स पटना के थे या गोरखपुर के थे या दिल्ली वाले थे, वो लोग जो है 2-3 महीने पर फॉलोअप के लिए बुलाया जाता था, तो वो लोग फिर मेरे पास हफ्ते में जो आते थे संडे के दिन, तो वो कहते थे बीच में दिक्कत रही है तो फ़ोन पर बात कर पाना, तो उन लोगों की भी एक तरीके से उनको भी ज़रूरत थी, वो चाहते थे कि मैं यहाँ पर परमानेंटली रहूँ, तो यही हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया मेरे वाइफ और हमने मिलकर के, जब रहने वाले यहीं के हैं और आते हैं ही रुकते हैं गांव में रहते हैं गांव से जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से, अल्टीमेटली यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, इन सब सोचते हुए हमने यहाँ का डिसीजन लिया। आसान भाषा में बात करें तो बहुत सारे मेडिकल टर्म्स की बात होती है, आम आदमी को बताना चाहेंगे कि क्या इलाज यहाँ पर हो सकता है, बीमारी होता है? देखिए सबसे पहले तो हम लोग फिजिशियन हैं, तो जो नॉर्मली सोसाइटी में जो ज़्यादा कॉमन है शुगर BP थायराइड ये सबको पता है, इसके अलावा जिस तरीके की जैसे लंबे समय की खांसी है, किसी को सांस लेने में तकलीफ रहती है, किसी को ऐसा है कि सोते में खर्राटे आ रहे हैं, या फिर वैसा है कि चक्कर आ गया, जा रहे थे चक्कर आया गिर गए, या फिर साइकिल चला रहे थे या सोते सोते उठ नहीं पा रहे हैं, वॉशरूम गए हुए हैं पैर फिसल गया गिर गया, जिसका के कारण कुछ पता नहीं चल रहा है, या फिर उनको कुछ लोग हैं जो पहले से ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं या दवाई नहीं ले रहे हैं, वैसे रोग का इलाज साधारण के अलावा, किसी का किसी तरीके से बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल या कोई और गेम खेल रहे हैं, उसमें हाथ खींच गया पैर खींच गया मसल्स फुल हो गई, ये छोटी मोटी ये परेशानी, इनके अलावा जो मेजर इशू है जिसमें कि ये पालिज हो गया लकवा हो गया जिसको बोलते हैं, दिमाग की जो नस ब्लॉक हो गई या फिर इसी तरीके से किसी को दिल का दौरा पड़ा, या फिर सिंपल दिल का दर्द है, या फेफड़े की झिल्ली में कोई दिक्कत है,
ये इंडिया जो है दो बीमारियों के लिए एक ही सेंटर है। टीबी की का रोग इंडिया में कॉमन है और दूसरा है शुगर। इन दो का जो ज़्यादातर मोस्टली डॉक्टर्स हर ब्रांचेस में इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो उस पर थोड़ा सा फेलोशिप है भी हम लोगों का, कुछ पेपर दिया है, किसी का मैं स्पीकर भी हूँ किसी किसी कंपनी में। तो इस तरीके के वो चीज़ें जो रहेंगी आम भाषा में यही है, इन सब चीज़ों का हम लोग इलाज यहाँ रुक के रह करके करेंगे। पर प्रयास यही रहेगा कि रोगी जो भी जिस रोग के हैं, हम फिजिशियन साइड से और जो हमारे सर्जन हैं हमारे यहाँ पे सीनियर हैं डॉक्टर मुजम्मिल सर, वो सर्जन हैं, तो हम लोगों का कोशिश यही रहेगा कि जैसे भी पेशेंट आते हैं, ट्रोमा का हेड ट्रोमा आएगा तो सर देखेंगे या चेस्ट ट्रोमा, ऑर्थोपेडिशियन है यहाँ पे, तो हम लोग पूरा प्रयास यही करेंगे कि पूरे पेशेंट का मैनेजमेंट हम लोग यहाँ कर लें ताकि आगे ना जाना पड़े, एक टीम वर्क की तरह हम लोग काम करेंगे, यही हमारी कोशिश है।